मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ये कहानी एक आर्किटेक्ट क्रुणाल जानी की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मात्र 4,500 रुपए की सैलरी से करी थी, लेकिन आज देखते ही देखते उन्होंने खुद की एक $1 मिलियन आर्किटेक्चरल आईटी फर्म खड़ी कर दी। दोस्तों, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। आज मैं मानस पृथ्वी आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जिन्होंने CADBULL और AutoCADFiles.com की शुरुआत करी और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। गुजरात के मेहसाना में पले बड़े क्रुणाल 2007 में काम की तलाश में अहमदाबाद आए, जहां काफी जद्दोजहद करने के बाद उन्हें एक रेपुटेड आर्किटेक्चरल फर्म में 4,500 पर मंथ की नौकरी मिली। दिल से क्रुणाल भी चाहते थे कि वो बाकी सब की तरह पहले अपनी डिग्री ले लें और ठीक ठाक सैलरी पर नौकरी शुरू कर दें, लेकिन उनकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते उनका ये छोटा सा ख्वाब पूरा ना हो सका। क्रुणाल के फादर का एक पान का गल्ला हुआ करता था जो म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले गए। उनके फादर ने उस समय कई तरह के काम किए और यहाँ तक कि लोगों के घर घर जाके छोटा मोटा सामान भी बेचा। उनकी मदर ने भी घर संभालने के साथ साथ उनके फादर का काम में हाथ बटाया। अपने पेरेंट्स की ही बदौलत क्रुणाल के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया था कुछ करके दिखाने का, इसीलिए उन्होंने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए अपने लर्निंग एटीट्यूड के बेस पर आगे बढ़ने की ठानी। वो जल्द से जल्द आर्किटेक्ट का काम सीखते चले गए और कुछ ही समय में उन्होंने फ्यूचर ग्रुप होम टाउन कंपनी में जॉब स्विच कर ली। 2007 से लेकर 2009 तक उन्होंने जम के नौकरी करी और इसी बीच घर वालों ने उनकी शादी भी करवा दी। उनकी लाइफ थोड़ा ट्रैक पर आनी शुरू ही हुई थी कि सडनली 2009 में उन्हें किसी कारणवश जॉब से निकाल दिया। क्रुणाल ने बिना वक्त जाया किए और कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी। शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि जब वो बदलता है तो राजा को फकीर और फकीर को राजा बना देता है। ऐसा ही कुछ हुआ क्रुणाल के साथ। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि अपने काम को दुनिया के सामने लाया जाए। एक कंपनी ने तो मेरी वैल्यू नहीं करी, इसीलिए मुझे अपनी वैल्यू खुद ही कमानी होगी। उन्होंने जैसे तैसे ऑनलाइन फ्री वेबसाइट बिल्डर टूल्स की मदद से वेबसाइट बनाना सीखा, जिसकी बदौलत उन्होंने बिना टेक्निकल नॉलेज के एक वेबसाइट खड़ी कर दी और उस पर अपने बनाए हुए आर्किटेक्चरल डिजाइन्स अपलोड भी मार दिए। फिर उन्होंने सोचा कि अब लोगों को अपनी वेबसाइट पर कैसे लाया जाए, जिसका एकमात्र विकल्प उन्हें गूगल एडवर्ड्स मिला। उस टाइम इंडिया में ज्यादा लोग गूगल एडवर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते थे, इसीलिए जिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल करना शुरू करा, उन्हें बहुत फायदा हुआ। गूगल एडवर्ड्स के जरिए कोई भी इंसान अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन पर प्रमोट कर सकता था। क्रुणाल ने भी कर करा के गूगल एडवर्ड्स में एक दिन के एडवर्टाइजमेंट पर 500 रुपए लगाए और इंडिया में जो जो लोग गूगल पर आर्किटेक्चर से रिलेटेड सर्च कर रहे थे, वो क्रुणाल की वेबसाइट पर पहुंचने लगे। उन्हें अपनी पहली दिन की एड में ही बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। काफी लोग क्रुणाल को कॉन्टेक्ट करने लगे। धीरे धीरे उन्हें फ्रीलांस वर्क भी मिलने लगा और वो जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। कुछ सालों में जब उनकी लाइफ ट्रैक पर आ गई थी, तब 2013 में जाके उन्हें लाखों का लॉस हुआ, जहां उन्होंने एक क्लाइंट को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसका पूरा ऑफिस रेनोवेट करवा दिया, लेकिन उस बंदे ने उनकी पेमेंट रोक ली। क्रुणाल को अपने एंड पर ही काफी वेंडर्स की पेमेंट चुकानी पड़ी। अब 2013 में गूगल एडवर्ड्स भी उतना कामयाब और सस्ता नहीं रहा जितना वो 2009 में हुआ करता था। इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क लेने का सोचा और एक डोमेन रजिस्टर करवा दिया, CADBULL.com। क्रुणाल ने अपना CADBULL का कॉन्सेप्ट एक प्रोफेशनल डेवलपर से डिस्कस करा और अपनी बची कुची पूंजी उन्होंने इस डेवलपर को दे दी। उनके हायर करे हुए डेवलपर ने प्रॉपर टाइम फ्रेम में वेबसाइट का काम पूरा नहीं करा, जिसके कारण उन्हें लाइफ में दोबारा फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनेंशियली टूट जाने के बावजूद क्रुणाल ने अपनी वाइफ का गोल्ड गिरवी रखकर उस डेवलपर को पैसे लाके दिए और अपने घर में 15 दिन लगातार अपनी आंखों के सामने उससे वो वेबसाइट तैयार करवाई। उन्होंने ऑनलाइन गूगल और फेसबुक ग्रुप्स की बदौलत अपनी वेबसाइट को प्रमोट करा और उनकी फर्स्ट मंथ की इनकम जनरेट हुई 15,000 रुपए, जो कि आज की डेट में बढ़के 10 लाख रुपए महीना हो चुकी है। उनकी फर्म अपनी वेबसाइट पर मेंबरशिप सेल करके और भी दूसरे बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है। आज की डेट में क्रुणाल की वेबसाइट को मैनेज करने के लिए 20 से 25 एम्प्लॉइज लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं।
एंटरप्रेन्योर हो तो ऐसा हो जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ दूसरों की जिंदगियों में भी बदलाव ला सके। क्रुणाल ने आज अपने साथ साथ उन 20 से 25 लोगों को भी रोजगार का साधन प्रोवाइड करा है। क्रुणाल का मानना है कि जैसा गीता में लिखा है, समय के साथ चलो, वैसे ही आज की जनरेशन को भी कामयाब होने के लिए ट्रेंड के साथ चलना होगा। दोस्तों याद रखिए कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो।